तो एक बड़ी खबर नोएडा से है। सबसे पहले यहां लक्सर जेल में बंद कैदियों को प्रताड़ित कर उनके घर वालों से रुपए मंगवाए जाने का आरोप लगाया। जेल से आरोपी फोन कराकर परिवार वालों से पैसों की मांग कर रहे हैं। बंदियों के घर वालों से इसके लिए कॉल कराई जा रही है, जिसमें गेट पर 2-2 लाख रुपए नहीं पहुंचाने पर कैदियों को खतरे की धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही नोएडा पुलिस ने विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर पर छापा मारकर कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। उन्हें गिरफ्तार आरोपियों से पैसे मंगवाए जा रहे हैं। नोएडा से ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। ये जो मामला है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, ये दरअसल बताया जा रहा है कि लुक्सर जेल में बंद हैं कैदी, जिनको प्रताड़ित कर उनसे उनके घर वालों से रुपए मंगवाए जाने का आरोप लग रहा है। जेल से आरोपी फोन कराकर परिवार वालों से पैसों की मांग कर रहे हैं। बंदियों के घर वालों से इसके लिए कॉल कराई जा रही है, जिसमें गेट पर 2-2 लाख रुपए नहीं पहुंचाने पर कैदियों को खतरे की धमकी दी जा रही है, जिसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले नोएडा पुलिस ने विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर पर छापा मारकर कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बता। मैं कह रहा हूँ पापा पहुंच गए वहाँ पे? हाँ पापा निकल चुके हैं। और दूसरे किसी काम के लिए बोला था, उसका क्या हुआ? पापा वहीं आ रहे हैं। पापा यहाँ पे आ रहे हैं? पैसे पैसे लेके आ रहे हैं? हाँ। कितने? अभी भाई जितने अरेंज हुए हैं वो लेकर पहुंच रहे हैं वो पापा। कितने? और दीपा। कितने? फिर भी अभी मुझे नहीं पता। दीपा ने कैश निकाला है? क्या? दीपा ने निकाला है? दीपा ने, वो पहुंच रहे हैं बस वहाँ पे, तुझे अभी मिल जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। अच्छा, और उस कोर्ट में कौन गया फिर सिग्नेचर करने बेल के पेपर से? हम जा रहे हैं। पापा के साइन होंगे बहन मेरी? मेरे भी हो जाएंगे भाई। हो जाएंगे तो ठीक है, तुम लोग कोर्ट पहुंचो, मैं अभी आ ही रहा हूँ। लेकिन पापा को बोलो पहले यहाँ पे पहुंच जाए। और मुझे दीपा भी आ रही है साथ में पापा के? हाँ। कितने आ रहे हैं कुछ पता है? क्यों बताओ? हाँ, तू वहाँ पहुँच रहा है ना, वहीं दे देंगे। नहीं वहाँ नहीं है ना, यही चाहिए मुझे। हाँ तो वो पहुँच रहे हैं बस। पक्का? हाँ। कितनी देर में आ जाएंगे? अभी आधे पौन घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे, निकल चुके हैं। ऐसा है 10 बजे से पहले हम लोग यहाँ से कोर्ट में निकल जाएंगे, और अगर आधे घंटे से पहले आ सकते हैं तो आ जाए, नहीं तो फिर हमें कोर्ट में मिलना है। ठीक है, तो एक काम करो, कोर्ट में मिल लो फिर। ठीक है, ठीक है। एक काम कर, तू पापा को बोल दे कोर्ट में पहुंच जाए, मैं वहीं पे ले लूंगा उनसे पैसे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है याद से। ठीक है, और तू भी पहुंच जा वहाँ पे, हम लोग आ रहे हैं। देख 2 सेकंड तक मम्मी से बात कर लेगा ना? करवा। हेलो। हाँ मैम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हूँ? हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आज मिल रहा हूँ इन लोगों से, मैं बात करता हूँ। ठीक है, नंबर था ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए बलराम पांडे इस वक्त सी मीडिया संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, ये ऑडियो का हकीकत क्या कुछ है, कोई अपडेट इसके बारे में मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये पूरा मामला 19 नवंबर 2023 को नोएडा बेसबंद पुलिस ने एक कॉल सेंटर पर छापेमारी की थी, और ये आरोप था कि इस कॉल सेंटर के जरिए लोगों से ठगी की जाती है, देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों से भी ठगी की जाती है। और इस आरोप में 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ युवतियां भी शामिल थी, और इन्हें गिरफ्तार करके जब कोर्ट में पेश किया गया था तो कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद अब जो पीड़ित परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि जो गौतम बुद्ध नगर की जेल है उसकी जो उसके जो जेलर है वो जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन पर दबाव बना रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, और उनसे 2-2 लाख रुपए मंगवाने का दबाव बना रहे हैं, और घर वालों को फोन करके वो पैसा जेल भेजने की बात कही जा रही है। तो जिस तरीके से ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिस तरीके से पीड़ित परिवार वकील के पास पहुंचा और उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई और शिकायत की कि किस तरीके से उसके बेटे से पैसे मांगे जा रहे हैं, उसके भाई से पैसे मांगे जा रहे हैं, और घर वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि दीजिए नहीं तो उनके बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने रखी, और उसके बाद आप देखिए कि वो शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री के पास भी भेजी है,
ये जो कुछ अधिकारी हैं उनके पास भी भेजी है, लेकिन जिस तरीके से ऑडियो निकल के बाहर आया और जिस तरीके से आप देखिए बातचीत की जा रही है। ठीक है बलराम, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।